हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ है सुखवीर तंवर है हमारे साथ आबाद। हाँ सुखवीर तंवर जी, बार बार सीबीआई पर सवाल उठते हैं लेकिन फिर भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए जिस प्रकार के हालात हैं और जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि सीबीआई को तोता और ये बताने की जो इन्होंने बात करी है, निश्चित तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा था, ठीक है। और इसके बावजूद भी चाहे सीबीआई को किसी ने कोई संज्ञा दी हो, आज के दिन अगर हम बात करें तो सीबीआई ही इस राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था है, तो इसलिए सीबीआई आज वो तोता के नहीं है, बावजूद भी आज तोता नहीं है, सीबीआई के दुरुपयोग के बावजूद भी क्योंकि एपेक्स एजेंसी है, इसलिए आप भरोसा करते हैं सीबीआई पर? देखिए मैंने ये कहा, जो वीरेंद्र जी ने जवाब दिया मैंने उनके जवाब के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। इसमें सामान्य राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं इसका विषय नहीं है, विषय तो ये है कि सब कुछ अनियमितताओं के बाद भी आज अगर सर्वोच्च संस्था है कोई भारत में तो वो सीबीआई है, इसलिए राजनीतिक दल और परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा ये बात सिर्फ हरियाणा तक है या दिल्ली में भी है यही बात है? नहीं हरियाणा में है ये बात या दिल्ली में है? परिवार क्या चाह रहा है, परिवार जो संभावनाएं बता रहा है, परिवार ने जिस प्रकार से एक व्यक्ति को आरोप लगाया है जिसपे उस पर जांच होनी चाहिए, जिस प्रकार से परिवार के लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद नहीं कर रही है और ये कहते हुए परिवारजन के जो हाल है जो आपने दिखाया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक वक्तव्यों से हटके इनकी सरकार है वहां जल्दी से जल्दी इसकी जांच करनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि के लिए भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई जांच की भी मांग मानने में कोई गुरेज नहीं कर। दूसरी बात यह है कि सोनाली जी हरियाणा की अभिनेत्री नेत्री और कई बहुत प्रसिद्ध महिला हैं, इसलिए इस प्रकार की जो जांच है उसमें निष्पक्ष होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हमारी तो यही मांग है। और परिवार किसी भी राजनीतिक दल का जैसे वीरेंद्र जी ने भी कहा कोई स्टेक नहीं, स्टेक है तो बीजेपी का है, इसके अलावा सबसे बड़ा स्टेक है तो परिवार का है और परिवार की संतुष्टि इस विषय में परम आवश्यक है। ठीक है ठीक है। केवल डिंगरा जी, जो कांग्रेस बार बार सीबीआई पर सवाल उठाती रही है वही कांग्रेस आज मांग कर रही है कि सोनाली फोगाट की मौत मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए हमने कभी सीबीआई पे सवाल नहीं उठाए, सीबीआई के पीछे जो मंशा वाले लोग हैं कि सीबीआई को चलाना कैसे है, ईडी को चलाना कैसे है, उन लोगों पे सवाल उठाए हैं, वो उनको तोते की तरह चला रहे हैं इसलिए सवाल उठाए हैं। लेकिन सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सीबीआई को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए पूरे भारतवर्ष में पूरे हमारे लोकतंत्र में और कानून में उनको लोकतंत्र में अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया, इसलिए तो मांग करते हैं। तो आप मान रहे हैं ना कि सोनाली फोगाट केस में सीबीआई को कोई हैंडल नहीं करेगा, खुद से सीबीआई जांच करेगी? देखिए अगर हम देश की एजेंसीज के बारे में जिक्र करें तो पुलिस एजेंसी जो होती है वो भी सक्षम होती है अगर वो काम करे तो। आपने सुना कि उनके भांजा क्या कह रहे हैं और उनके घर के लोग क्या कह रहे हैं कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, तो वो बीजेपी की सरकार है ना वहां पे, क्यों नहीं सुन रही फिर? तो फिर अगर उसके बाद फिर और कौन सी एजेंसी है जिससे बात की जाएगी कि वो इंडिपेंडेंटली उनकी एजेंसी बात सुन ले? अगर बीजेपी का माइंड जो है वो उस जांच करने को नहीं है, इसीलिए तो इंडिपेंडेंट एजेंसियां बनाई गई हैं। और ये लोकतंत्र में प्रावधान जो है ये हमारे कानून के अंदर संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं कि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन इनको जो पीछे से तार पकड़ के जो चलाने का काम बीजेपी आजकल कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं, हम इसलिए नहीं बोलते कि वो एजेंसियां गलत है, हम इसलिए बोलते हैं कि इनके जो तार पकड़े हुए दुरुपयोग कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। हाँ तो इस मामले में आप सीबीआई जांच के आऊंगी वीरेंद्र जी आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं इसके बाद एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए वो एक हरियाणा की महिला थी, उनकी उनकी जो परिवार मांग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोले लेकिन वो हमारे हरियाणा के एक जो लोग हैं उनके लिए तो हम बोल सकते हैं ना।
तो वो हरियाणा की नेता चाहे बीजेपी की थी, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे INLD का था, चाहे किसी भी पार्टी के थे, हम बोल सकते हैं, हम ये बात मांग रख सकते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिया जाए। इसमें भाजपा को इतराज क्यों है? आ गई आपकी बात, आ गई, ठीक है संदीप जी। जी देखिए सबसे पहले तो हमारी पार्टी, ठीक है सवाल तो सुन लीजिए संदीप जी, कांग्रेस की तरफ से और नवीन जैन भी बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज इस मामले में इंटरफेयर करने चाहिए, उनसे जांच करवाई जानी चाहिए। क्या ये सिर्फ कोरी राजनीति है? क्या वाकई ये लोग चाहते हैं कि सच सामने आए सोनाली फोगाट की मौत का?